हम अभी खाने के लिए हम बैठ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं नागली के रोटला और अंडा। नमस्कार दोस्तों, एक और फ्रेश व्लॉग में मैं राजू कामित मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्रेम जताया, हमारा जो व्लॉग हमने बनाया था उस व्लॉग में बहुत सारा व्यूज आया, करीबन 12K व्यूज आया, उसमें अच्छा लाइक भी आया। कुछ एक दो लोगों ने कमेंट अच्छा नहीं किया कि आपको हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता, तो गाइस मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं आता तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पर मैं रेगुलर काम नहीं करता, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। आप सभी को शायद पता ही होगा कि मैं एक जॉब भी करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर मैं रेगुलर काम नहीं कर पाता, आपको रेगुलर वीडियो भी नहीं दे पाता। जब भी मुझे पार्ट टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं आपको व्लॉग बना के वीडियो बना के मैं आपको देता हूँ। और गैस आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी मैं छुट्टियों के दिनों में जब जब मैं मेरे फैमिली के साथ घूमने के लिए कहीं पर भी जाता हूँ तो वहाँ से उसी टूरिस्ट प्लेसेस के रिलेटिव जो भी मुझे बताना होता है वो मैं बताता हूँ। अगर आप भी कोई घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको जानकारी मिल सके, जिसकी वजह से मैं एक ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूँ। तो आप मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली होने के नाते अच्छा मुझे सपोर्ट देते हैं। 1K सब्सक्राइबर होने में बहुत आपने सपोर्ट दिया, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। गाइस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। मेरी चैनल पे आप नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें। तो गैस आज हमारे घर पर क्या बन रहा है, आज हम क्या खाएंगे, उसके बारे में आज मैं आप सभी तक मैं एक वीडियो लाऊंगा। आज हम बना रहे हैं रागी का रोटला, तो गैस दिखाते हैं वहां का नजारा। तो गैस ये देखिए, हेतवी की मम्मी इस वक्त रागी का रोटला बना रहा है। ज़्यादातर रागी हमारे डांग में ज़्यादा होती है, हमारे आसपास जो दक्षिण गुजरात का पूरा एरिया है रागी की फसल के लिए अनुकूल यहाँ का मौसम बना रहता है। तो गैस एक रागी का रोटला बना के यहाँ पर हेतवी की मम्मी ने यहाँ पर ये रागी का रोटला तवी पे सेकने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने, एक दो तीन, तीन रोटला बना के तैयार करके यहाँ पर रखे हैं। तो गैस देखिए बहुत ही अच्छा उसका राउंड में शेप दिया है। तो गैस रागी का जो रोटला बनाते हैं तो उसको तवे में अच्छे से उसको सेकना पड़ता है, तब जाके खाने में मजा आती है। यहाँ पर लोवा तैयार किया जा रहा है। प्लास्टिक का जो एक छोटा सा टुकड़ा है उसको राउंड शेप में काट लिया है, उसके ऊपर ये आटे का जो घोल तैयार होता है उसको इस प्रकार रख के हाथ से राउंड शेप दिया जाता है। बनाने में तो एकदम इजी है ना? कि आपको कैसा लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है? नहीं ना, हम बना सकते हैं कि नहीं? तो गैस बहुत अच्छे से ये दड़ा उठ रहा है, ये देखिए। ओहो हो, ये गैस देखिए रागी का रोटला इस प्रकार एक राउंड शेप में बना के अच्छे से उसका दड़ा उठा है। हाँ घुमा उसको। ओहो हो, बहुत बढ़िया, ये तो बन के तैयार हुआ। तो गैस ये रोटला अभी तैयार हुआ बन के, एकदम सॉफ्ट है गैस, खाने में बहुत मजा आएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट, ये कितना सॉफ्ट है देखो, बहुत सॉफ्ट है। चक्की में अच्छे से आटा पिसवाओगे तो रोटला भी बहुत अच्छा बनेगा, है ना? अगर आप चक्की में अच्छे से ये आटा अच्छे से नहीं पिसा होगा तो रोटला आप अच्छे से नहीं बना सकते। घुमाओ उसको। तो यहाँ पर हमारा रोटला बनके तैयार हो गया है, अभी सब्जी हम बनाएंगे। तो सब्जी में आज पता नहीं क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी हरी सब्जी है, क्या इसको क्या बोलते हैं?
कुराड़ी, कुराड़ी भाजी, कराड़े यानी भाजी बोलते हैं गैस। तो कराड़े की भाजी बनाएंगे, लेकिन थोड़ी ही, थोड़ी ही है, प्याज आलू की सब्जी भी थोड़ी सी बनाएंगे। और उसके साथ गैस क्या बनाएंगे दिखाता हूँ वो भी। तो गैस सब्जी बन रही है, आज हम सब्जी में क्या बना रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो गैस ये हमने अंडा भुर्जी बनाई है, ये गैस देखिए टमाटर की ग्रेवी में अंडा भुर्जी, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आलू प्याज में जो भी कराड़िया की थोड़ी सी हरी पत्ती हम लाए थे, तो ये हम बना रहे हैं। हमारे घर के पास ही कराड़िया का पेड़ है, उसी के ऊपर से थोड़ा सा एक दो हरी पत्ती हमने देखने को मिली, तो वहाँ से हमने ये तोड़ ली। अभी आलू प्याज में बना रहे, और ये अंडा भुर्जी। तो ये आज हम सब्जी है, वो सब्जी हम नागली के रोटले के साथ खाएंगे। तो गैस हमारी इस ब्लॉग आपको पसंद आया है तो आप ब्लॉग को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के बारे में एक कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आज तो जमकर भूख लगी है, तो तुरंत हम अभी खाएंगे। हेतवी अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हेतवी तुरंत किचन में आ गई। होमवर्क कर रही थी और होमवर्क करते करते किचन में आ गई। मज़ा आएगा आज तो, हेतवी डांस कर रही है, शायद उसको मज़ा आएगा खाने में। क्या कहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, हमने वीडियो डाले उसमें बहुत सारे व्यू आए, किसी ने कमेंट किया कि सारी जगह पर ये करते रहते हैं, तो गाइस हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, पर ये ही तो आएगा ना, कहाँ पर छे आने वाला है, कहाँ पर से आने वाला है, आप बताओ। कौन था कमेंट, किसने किया था? नहीं बताऊं। नीलेश गामित करके कोई भैया था जिन्होंने वो कमेंट किया था। तो गैस इस प्रकार हम अभी खाने के लिए हम बैठ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं नागली के रोटला और अंडा भुर्जी। तो हेतवी लो शूट करो, मैं अभी खा के देखता हूँ कैसा बना है। तो गैस खाना कैसा बना है अभी खा के देखते हैं। गैस बहुत ही सॉफ्ट रोटला है ये, देखो खा के देखते हैं, नागली का रोटला और अंडा भुर्जी। फर्स्ट बाइट लेता हूँ, कैसा है पापा बताओ? बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ गया। और भाजी कैसी है? भाजी अभी खा कर देखता हूँ, कराड़ा की भाजी, ये भी खा कर देखता हूँ, बहुत अच्छा है। ये लहसुन की चटनी है, उसको भी यहाँ साइड पर रखता हूँ, वो भी खा कर देखता हूँ। तो गैस खाते हैं हम, तब तक गैस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।